डिस्कशन इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं आज हमें पढ़नी है। पहली तीन वीडियो मैं बना के अपलोड कर चुका हूं। पहले में हमने डिस्कस किया था सोलर सिस्टम की उत्पत्ति यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, दूसरे में डिस्कस किया था हमने सूर्य के आंतरिक चार ग्रहों के बारे में, और तीसरी वीडियो मैंने डिस्कस किया था सौरमंडल के बाहरी ग्रहों के बारे में यानी कि जोवियन प्लैनेट्स के बारे में। ये तीन वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं स्टडी हाईवे चैनल पर, आप जाके देख लीजिए। आज डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हेडिंग बना लीजिए जल्दी से बच्चों। सबसे पहली चीज तो ये जो है इमेजिनरी लाइंस हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं माय डियर। ऐसा नहीं है कि किसी ने या किसी देवता ने या भगवान ने इनको पेंसिल और स्केल की हेल्प से लेके अर्थ के ऊपर डिजाइन किया है, ऐसा नहीं है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए इनको डिजाइन किया है, ठीक है। दूसरी सबसे चीज जरूरी आपको क्या है, इन रेखाओं की मदद से आप क्या पढ़ पाएंगे, चेंज इन सीजन्स, ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो आप इन रेखाओं की मदद से समझ पाएंगे। विंड साइकिल, जो पृथ्वी के ऊपर जो हवाएं चलती हैं, पवन तंत्र है, वो आपका इसी टॉपिक की मदद से आप समझ पाएंगे। किसी भी जगह की लोकेशन अगर आपको निकालनी है, किसी भी जगह की स्थिति निकालनी है, जैसे आर्मी से रिलेटेड एक्शन फिल्म्स आपने देखी हैं तो उनमें वो 50 डिग्री साउथ 40 डिग्री नॉर्थ टेंगो चार्ली ये बोलते रहते हैं, तो ये 40-50 डिग्री जो साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये सभी के सभी जो चीज़ें हैं ये आप इन्हीं रेखाओं से आप पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए इंडिया को किसी भी कंट्री के ऊपर मिसाइल छोड़नी है, मान लीजिए पाकिस्तान पे कोई मिसाइल डालनी है, तो मिसाइल में हम ये थोड़ी लिखेंगे कि जा मिसाइल पाकिस्तान में जाके गिर, नहीं, जिस जगह पे हमें मिसाइल डालनी है उस जगह के कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक हमें उस मिसाइल में लोड करने हैं, और वो मिसाइल जीपीएस के साथ कनेक्ट रहेगी, सीधा वहीं जाके गिरेगी, ठीक है। आपने अपनी क्लास सिक्स और सेवन्थ में ग्राफ के क्वेश्चन किए होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, याद करिए वही ग्राफ का क्वेश्चन जिसकी मदद से आप मैथमेटिक्स में पास होते थे, है ना, क्योंकि वो 5 नंबर का आपके पेपर में आता था। वैसे ही हमारी कुछ दोनों ये रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो बच्चों अक्षांश, लैटिट्यूड, अक्षांश, जो अक्षांश रेखाएं हैं सबसे पहली बात तो एक्स अक्ष पर है, एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस है पृथ्वी का, जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर जो रेखाएं हमने लगाई हैं काल्पनिक रूप से उन्हीं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, है ना। और देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं ऑफ कोर्स लॉन्गिट्यूड्स वो रेखाएं हैं जो वाई एक्सिस पर हमने लगाई हैं। तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। मान लीजिए पॉइंट ए पे हमें पहुंचना है तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी लोकेशन, किसी भी जगह की लोकेशन हमें निकालनी है तो हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का सहारा लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपका दोस्त समुद्र में पानी का जहाज लेके खड़ा हुआ है और उसका जो पेट्रोल है वो खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया। हम भारतीय हैं तो आमतौर पर हम बाइक्स को रिजर्व में ही चला के चलते हैं, ठीक है। अब आपका दोस्त आपको कॉल करता है, भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ और पेट्रोल लेके आ जा, तो आपका दोस्त आपसे पूछेगा भाई कहाँ आऊँ, भाई पानी की एक ऊँची लहर आ रही है यहाँ खड़ा हूँ। वो आपको फ़ोन पे अच्छी अच्छी बातें सुनाएगा और कहेगा आज के बाद कॉल मत करना, क्योंकि बच्चों पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी है, सिर्फ और सिर्फ 30% हिस्सा लगभग ऐसा है जो स्थल मंडल है, यानी कि स्थल मंडल पर मुझे अगर आपके घर आना है तो आप एड्रेस समझाएंगे, सर हाउस नंबर ये, कॉलोनी ये, पीपल से तीसरा चौथा मकान सर हमारा है, मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर आप समुद्र में पानी में कहीं हैं तो फिर वहां पे एड्रेस निकालना हो या फिर स्थल पे कोई एड्रेस निकालना हो, एक ही जवाब है, आप यू विल यूज लैटिट्यूड्स एंड, बहुत ही मनमोहक ये डायग्राम है और इसके बीचों बीच हमने एक रेखा लगा दी है, इसको मैं कह रहा हूं 0 डिग्री अक्षांश। जीरो डिग्री लैटिट्यूड, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या है, पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। पेपर में आता है कि कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बांटती है, सही आंसर है 0 डिग्री अक्षांश, लेकिन पेपर में आपको लिखा रहेगा 0 डिग्री
जीरो डिग्री अक्षांश, जीरो डिग्री देशांतर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर लगाना है जीरो डिग्री अक्षांश, ठीक है। और बेटा इसी लाइन का एक और नाम है इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। धरती के बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा हमने लगाई है उसको कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। अब देखिए यहां से 10, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ऐसे ही हम नीचे लगाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 50, 60, 70, 80, 90। समान डिस्टेंस पर ये हमने अक्षांश रेखाओं को हमने अंकित कर लिया। अब ये क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो यहाँ आप लिख सकते हैं N, यहाँ आप लिख सकते हैं S, साउथ, क्योंकि ये सेम कोऑर्डिनेट्स हैं तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनके पीछे हम NS, N स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, S स्टैंड्स फॉर साउथ, या उत्तर U या दक्षिण द, ये हम लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ये रही 23.5 डिग्री, ये रही 23.5 डिग्री। अब बच्चों ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, ठीक है। तो माय डियर ये जो लाइन है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, हिंदी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है तंबाकू का सेवन करने से कर्क रोग होता है, कैंसर होता है, तो सिगरेट की डब्बी पर भी जीके है अगर ध्यान से देखो तो कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा। ये वाली लाइन मकर रेखा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है बच्चों। तो पेपर में आ जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ पर कौन सी रेखा है, मकर रेखा, समझ में आ रही है। और बेटा इन दोनों लाइंस के बीच में जो ये एरिया है धरती का, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में ये एरिया, ये देखिए ट्रॉपिक 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 ट्रॉपिक, इन दोनों के बीच में जो एरिया है बच्चों, ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है ध्यान से समझिए, ट्रॉपिक का मतलब होता है उष्ण, उष्ण बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय। तो माय डियर ये जो एरिया है धरती के बीचों बीच इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल जोन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, ट्रॉपिक जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण, उष्ण का मतलब माय डियर होता है गर्मी। तो धरती के इस हिस्से में आपको तापमान, एक तो तापमान आपको ज्यादा मिलेगा, टेम्परेचर, क्योंकि बेटा सूर्य जो है, सूर्य की किरणें जो हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में, और अगर सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ गर्मी खूब होगी, इज दैट क्लियर। और दुनिया के ज़्यादातर जो देशों के नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, जैसे साउथ इंडिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, वैसे तो वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई देश नहीं है क्योंकि कुछ देशों का समूह है, है ना। और अभी आपको पता है वेस्ट इंडीज़ में 15वां अंडर-19 वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। और गर्मी के साथ साथ बेटा इस हिस्से में आपका नमी, मॉइस्चर, मॉइस्चर भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो बेटा एक ऐसी धरती का एक ऐसा हिस्सा जहाँ तापमान भी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है, उस हिस्से को क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। और मुझे दिमाग पर जोर देके बताइए ऐसी कौन सी फसल है जिस फसल को तापमान भी ज़्यादा चाहिए, नमी भी ज़्यादा चाहिए, तापमान भी ज़्यादा चाहिए, नमी भी ज़्यादा चाहिए, ऐसी फसल माय डियर कौन सी है, पैडी, धान। तो हरियाणा सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि धान किस जलवायु का पौधा है, तो राइट आंसर है धान उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई। तो बेटा ये कर्क रेखाओं के बारे में एक बेसिक सी जानकारी है,
इसको आप नोट करते चलें। चलिए अगली लाइन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है यहाँ 66.5 डिग्री नॉर्थ और एक ये है 66.5 डिग्री साउथ। ये इसको बोलते हैं बेटा आर्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक और आर्कटिक में बहुत फर्क है। आर्कटिक वृत्त और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। मैं फिर कह रहा हूं आर्कटिक एक महासागर है, एक ओशन है और अंटार्कटिक एक महाद्वीप है जो साउथ पोल पर जहां बर्फ ही बर्फ है। समझ में आ गई? तो 66.5 डिग्री नॉर्थ पर क्या है आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ पर क्या है अंटार्कटिका वृत्त, यानी कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर जाता है जहां बर्फ ही बर्फ है। तो बेटा ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये एरिया, इसको बोलते हैं माय डियर सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन और हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जोन। ध्यान से समझना, इसके नाम में ही सारा का सारा खेल है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब बेटा शीत का मतलब क्या होता है? सर्दी, अभी जैसे भारत में चल रही है, और उष्ण का मतलब होता है गर्मी, यानी कि बेटा इस हिस्से में आपका तापमान ज़्यादा भी होता है और तापमान आपका कम भी होता है, मतलब गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी। तो मुझे ध्यान देकर बताइए ऐसी कौन सी फसल है जिस फसल को हम सर्दियों में उगाते हैं और गर्मियों में हम काटते हैं, बताइए ऐसी फसल। ऐसी फसल है बेटा गेहूं, वीट। तो वीट किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? सब ट्रॉपिकल जोन का पौधा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ओके। एक और बात जरा एक बार है ना इस लाइन पर, इस मैप पर जरा गौर करिए। भारत हमारा कुछ ऐसा है, ये हमारा भारत है, यानी कि हमारा जो दक्षिण भारत है वो आता है ट्रॉपिकल जोन में और उत्तर भारत आता है सब ट्रॉपिकल जोन में। दोबारा सुनिए, दक्षिण भारत आता है सब ट्रॉपिकल जोन में और उत्तर भारत आता है सब ट्रॉपिकल जोन में। इसीलिए साउथ इंडिया में सारा का सारा साल गर्मी रहती है, ज़्यादातर नमी रहती है। इसलिए साउथ इंडिया के जो हमारे भाई बहन हैं उनकी स्किन का कलर आपको ब्लैक दिखाई देगा बिकॉज ऑफ सन। एक रीज़न ये भी है लेकिन सन इकलौता रीज़न नहीं है, जेनेटिक्स भी कोई चीज़ होती है। और नॉर्थ इंडिया में आपको सर्दियों में ज़्यादा सर्दी, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, जैसे हरियाणा है, हिसार है, दिल्ली है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ आप देखेंगे गर्मी में गर्मी, सर्दी में ज़्यादा सर्दी। तो बेटा इसका मतलब ये है कि साउथ इंडिया कौन से जोन में आता है? ट्रॉपिकल जोन में। और नॉर्थ इंडिया किस जोन में आता है? सब ट्रॉपिकल जोन में। ठीक है माय डियर, इसीलिए जो गेहूं है मुख्य रूप से आपका उत्तर भारत में उगाया जाता है और चावल पूरे भारत में उगाया जाता है, है ना। फिर आप कहेंगे सर चावल तो आपने ट्रॉपिकल जोन की फसल बताई लेकिन पंजाब में सबसे ज़्यादा चावल होता है। उसका कारण है बेटा, मैंने अभी बताया, धान को उगाने के लिए नमी और गर्मी दोनों चाहिए। तो गर्मी तो पंजाब में गर्मी में होती है लेकिन जो नमी है यानी कि पानी की जो ज़रूरत है, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ 100% जो उसकी ज़मीन है उसके ऊपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो पानी वहाँ से मिल जाता है और गर्मी आपको नेचर से मिलता है। मेरी बात समझ में आ गई? और हाँ एक बात और, इसीलिए नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं खासतौर पर यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इस एरिया में पंजाब, गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि बेटा जिस ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जहाँ जो चीज़ पैदा होती है वही खाई जाएगी। इसीलिए कोई नेता आपको ये नहीं कह सकता कि भाई आप नॉर्थ इंडिया के हैं तो ये मत खाइए, साउथ इंडिया के हैं तो ये मत खाइए। जहाँ जो चीज़ पैदा होती है, लोगों के खाने की आदतें उसी हिसाब से होती हैं। तो आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि लोगों का जो खान पान है ज्योग्राफिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। साउथ इंडिया में आ जाइए, वहाँ गेहूँ नहीं होता, चावल होता है, तो ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं, इडली सांभर वगैरह ये सब खाते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताते चलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्या जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे आपको कुछ समझ में आ भी रहा है या हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसे नोट करिए फिर आगे चलते हैं। बेटा इक्वेटर की अगर बात करें, भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से गुजरती है,
13 देशों से पास होती है। ये पेपर में आप इस क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं, विश्व के 13 कंट्री से ये पास होती है, ठीक है। हाँ, अभी मैंने बताया कि जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है भारत के मध्य से पास होती है। इट पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के बीच से पास होती है और बच्चों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पासिस थ्रू 8 स्टेट्स, 8 राज्यों से होकर जाती है। अब 8 राज्य कौन से हैं भाई? गुजरात, राजस्थान, एमपी, एमपी से एक राज्य निकला था माय डियर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर ये जाती है। सबसे ज़्यादा गुजरती है बेटा एमपी से और सबसे कम होके जाती है राजस्थान से, राजस्थान से सबसे कम और एमपी में सबसे ज़्यादा। ये 3 बातें आपको आई थिंक क्लियर होंगी। एक बात आपको और समझनी है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इकलौता ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका कि अफ्रीका में से ये तीनों लाइन पास होती हैं। पेपर में आ जाता है कि किस महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं पास होती हैं, कर्क, मकर और भूमध्य। तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। हाँ, इसमें बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, आपसे कई बार पूछ देते हैं कि कुल अक्षांश कितनी है और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं? सबसे छोटी, द स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड्स आर, या आपसे पूछ देंगे कि पृथ्वी पर स्थित सबसे छोटे काल्पनिक वृत्त कौन से हैं? इनको बोलते हैं स्मॉलेस्ट इमेजिनरी सर्कल, स्मॉलेस्ट इमेजिनरी सर्कल ऑन अर्थ, पृथ्वी पर स्थित सबसे छोटे काल्पनिक वृत्त। आपके दिमाग में पक्का आएगा कि सर 90 डिग्री, क्योंकि बेटा अगर आप इन लाइंस को 3D में देखेंगे तो ये तो एक सर्कल है पृथ्वी के ऊपर ऐसे गोल गोल, है ना। तो सबसे छोटे सर्कल है बेटा 89 डिग्री नॉर्थ और 89 डिग्री साउथ। ऐसा क्यों? क्योंकि माय डियर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ये दोनों आपके क्या हैं? पॉइंट हैं, सर्कल नहीं है। और एक पॉइंट कभी भी एक सर्कल नहीं हो सकता, ठीक है। और 90 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ को बोलते हैं साउथ पोल। नॉर्थ पोल बोले तो उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल बोले तो दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। हाँ, अगर आपसे ये पूछ दें कि सबसे बड़ा काल्पनिक वृत्त कौन सा है, तो बेटा एक ही है, 90 डिग्री अक्षांश, ठीक है। ये जो 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा काल्पनिक वृत्त है। अगर आपसे बेटा ये पूछे कि सबसे बड़ा काल्पनिक वृत्त कौन सा है, तो राइट आंसर होगा 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि इस लाइन को अर्थ के चारों तरफ थोड़ा इमेजिन करिए 3D में, तो ऐसे ही ये आपका पूरा सर्कल होगा। और इसी को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल सर्कल। इसका एक और नाम है विषुवत वृत्त, ठीक। अब आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला, कुल अक्षांश कितने हैं?
कुल अक्षांश कितने हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो बेटा कुल अक्षांश देखिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ, ये कितने हो गए, 91। भाई 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ 91 हो गए, क्योंकि 0 इसमें मिल गया, 91 हो गए, ठीक है। अब 1 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ, क्योंकि 0 को आप या तो ऊपर वाले में काउंट कर सकते हो या नीचे वाले में काउंट कर सकते हो, तो 1 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ, ये कितने हो गए, 90। तो कुल अक्षांश कितने हैं, 181 आपके टोटल लैटिट्यूड्स हैं, टोटल लैटिट्यूड्स, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ दे कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कुल अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड लाइंस, कुल अक्षांश कितने हैं, 181। अब मैंने कहा था कि दो अक्षांश ऐसे हैं जो पॉइंट हैं, और एक पॉइंट कभी लाइन नहीं हो सकता, सर्कल नहीं हो सकता। लाइन क्या होती है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें से दो माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 179। तो बेटा अगर पूछे कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179, कुल अक्षांश कितने हैं, 181। ओके, सो माय डियर, ये था आपका अक्षांश रेखाओं के बारे में टॉपिक। आज हमने पढ़ा सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन, है ना। और तीसरा इसमें एक और आपको याद रखिएगा, ये है पोलार जोन, ध्रुवीय क्षेत्र, यहां बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जानी, सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, नोट करिए, नोट्स बनाइए, कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, शेयर करिए, है ना। और बस करते रहिए, सर्दी का मौसम है, बारिश हो रही है, मौसम का आनंद लीजिए। और जी हाँ, पता करिएगा कि आप जहाँ, जिस शहर में आप रहते हैं, आप किसी भी भारत के किसी भी शहर में हो सकते हैं, तो आपका जो शहर है वो कौन से जोन में आता है, सब ट्रॉपिकल में, ट्रॉपिकल में, या किस में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।